तो हेलो गाइज, आई एम हैपर किंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉजिक गेम प्ले। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कस्टम कार्ड जो है फ्री में कैसे मिलेगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कस्टम रूम कैसे क्रिएट करना है। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर फ्री फायर के रिलेटेड ऑल टाइप्स की वीडियो अपलोड की जाती है। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर कस्टम कार्ड आपको कैसे मिलेगा। तो गाइज, उसके लिए आपको एक लेवल 4 के गिल्ड में ज्वाइन होना है। जैसा कि गिल्ड देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा लेवल 4 का गिल्ड है, तो इसी से मुझे जो है गाइज मतलब कि कस्टम कार्ड मिलता है। तो कस्टम कार्ड कैसे मिलता है गाइज, तो कस्टम कार्ड जो है गाइज, जैसे ही आप लेवल 4 के गिल्ड में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ऊपर यहाँ पे देख रहा हूँ मैसेज का आइकन, यहाँ पे आपको कस्टम कार्ड का जो है ऑप्शन आ जाएगा क्लेम करने का। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे आया था, मैंने क्लेम कर रखा है। तो मैसेज के थ्रू आपको कस्टम कार्ड जो है मिल जाएगा। आपको बस इसका जो मेन रूल है गाइज, आपको लेवल 4 के गिल्ड में ज्वाइन होना है। इसके बाद गाइज, आप बात करते हैं कि आप कस्टम रूम को कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ पर मोड सेलेक्ट करते हैं उसको जस्ट आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा एक कस्टम का ऑप्शन, तो आपको सिंपल सा कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद फिर जस्ट कॉर्नर के नीचे में कॉर्नर में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा आपका कस्टम कार्ड, यानी कि मेरे पास 16 है। उसके जस्ट नीचे आपको शो करेगा क्रिएट का ऑप्शन, आपको सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर गाइज, यहाँ पे देख सकते हो, आपको सेलेक्ट करना है बरमूडा या फिर पुर्गेटरी या फिर असर, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लोगे। तो मैं फिलहाल पुर्गेटरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको अपने रूम का नाम रखना है, तो यहाँ पर मैं अपने रूम का नाम रख देता हूँ लॉजिक गेम प्ले, जैसा कि मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है रूम में, 1234। पासवर्ड सेलेक्ट करने से क्या होगा कि आप जिस बंदे को चाहोगे वही आपके रूम में आएगा, अदरवाइज़ बाहर का कोई भी बंदा नहीं आएगा। उसके बाद फिर गाइस, यहाँ पे है गेम मोड, यानी कि आपको कौन सा मोड रखना है, सोलो डुओ स्क्वाड, यानी कि आप कुछ भी अपना सेलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद गाइस, यहाँ पे है ड्रॉप लिस्ट, तो आपको जैसे ही ड्रॉप लिस्ट पे यहाँ पे आप क्लासिक करते हो तो आपको यानी कि गेम के अंदर गन्स, ग्रेनेड, AWM, स्नाइपिंग सब कुछ मिलेगा। बट आप क्लिक करते हो स्नाइपर पे तो आपको सिर्फ AWM Kar-98 ही मिलेगा, यानी कि स्नाइपिंग गन ही मिलेगा। अगर आप क्लिक करते हो ग्रेनेड पे तो आपको सिर्फ गेम के अंदर ग्रेनेड ही मिलेगा, गन्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर गाइस, यहाँ पे प्लेयर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 20 प्लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, 30 प्लेयर भी, 48 प्लेयर भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद फिर गाइस, HP यानी कि हेल्थ आप 200, उसको बढ़ा का 500 भी कर पाओगे या फिर 50-50 घटा का 50 भी कर पाओगे। उसके बाद फिर गाइस, यहाँ पे स्पेक्टर यानी कि कस्टम को जो देखने वाला बंदा होता है, जो कस्टम को चलाता है, यानी कि आप दो बंदे को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपका कोई दोस्त भी कस्टम को देख पाएगा, चला पाएगा। उसके बाद फिर गाइस, यहाँ पे EP यानी कि EP जो होता है एक्स्ट्रा पावर, यानी कि जिससे मशरूम से बढ़ता है गाइस जो एक्स्ट्रा पावर, उसको आप 50, 200 कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद फिर गाइस, मूवमेंट स्पीड यानी कि बंदे का चलने का स्पीड, जो रन की स्पीड होते हैं वो 100 बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही होता है, बट आप इसको घटाकर 50 भी कर सकते हो, बढ़ाकर 125-200 भी कर पाओगे। उसके बाद फिर गाइस, जंप हाइट यानी कि बंदे का जंप करने का जो हाइट होता है गाइस, वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही होता है, बट अगर आप इसको बढ़ाकर 200 भी कर पाओगे, 400 भी कर पाओगे, आप अपने कस्टम में अपने तरीके से क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद फिर गाइस, डेथ स्पेक्टर यानी कि अगर आप कस्टम में आपको कोई बंदा किल कर देता है तो आप उसका गेम प्ले देख पाओगे, यदि आप इस यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो, अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आप उसका गेम प्ले नहीं देख पाओगे। उसके बाद फिर गाइस, लिमिटेड एमओ यानी कि अगर यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो यानी कि गाइस आपने कोई गन उठाया, जैसे कि MP40 उठाया, तो उसके लिए आपको एमओ उठाना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, बट अगर नो पे क्लिक करते हो तो आपको अनलिमिटेड एमओ मिल जाएगा, यानी कि आपको एमओ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गन उठाओगे आपको एमओ जो है वो अनलिमिटेड मिल जाएगा। उसके बाद है गाइस, लेड आउट, ये भी जो है गन से रिलेटेड है। उसके बाद है गाइस, कैरेक्टर स्किल, आप कस्टम में कैरेक्टर का स्किल यूज कर पाओगे या नहीं, आपको यूज करना है या नहीं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यस पे करते हो तो कैरेक्टर का स्किल यूज होगा, नो पे क्लिक करोगे तो यूज नहीं होगा। उसके बाद फिर गाइस, यहाँ पे है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, आपको गेम का जो दिन में खेलना या फिर रात में, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। नाइट पे क्लिक करते हो तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद फिर गाइस, यहाँ पे फॉल डैमेज यानी कि फॉल डैमेज जो पड़ता है गाइस, फॉल डैमेज वो आप यस ही रखना, नो भी कर सकते हो आप। उसके बाद फिर गाइस, एयर ड्रॉप, आपको कस्टम के अंदर एयर ड्रॉप चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। यस पे यस करोगे तो आएगा एयर ड्रॉप जो है वो आएगा, नो पे क्लिक करोगे तो एयर ड्रॉप नहीं आएगा। उसके बाद फिर गाइस, व्हीकल्स यानी कि गेम के अंदर आपको गाड़ी, बाइक ये वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, उस वो भी आप सेलेक्ट कर पाओगे यस या नो पर क्लिक करके। तो उसके बाद फिर आपको सिंपल से यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म में क्लिक करते हो तो आपका कस्टम क्रिएट हो जाएगा।
तो इस तरीके से गाइस आप अपना एक कस्टम रूम क्रिएट कर पाओगे। तो वी होप गाइस का आपको वीडियो पसंद आया, वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।